ಡ್ರೈವರ್ ಸಮಾನಂದಲ್ಯಾನ. ಪಾಪ ಪಾಪ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೈ ಡಿಯರ್. ಸಾರಿ ಬೇಟಾ, ಮೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಹೀಂ ಆ ಸಕಾ. ವೋ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಕಿ ಖನ್ನಾ ಜಿ ಕಿ ಬೇಟಿ ಕಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥೀ, ಇಸ್ಲಿಯೆ ವಹಾಂ ಜಾನಾ ಬಹುತ್ ಜರೂರಿ ಥಾ. ವಹಾಂ ಪರ್ ತೋ ಸಬ್ ಕಿ ಜಬಾನ್ ಪರ್ ಸಿರ್ಫ್ ಏಕ್ ಹಿ ಸವಾಲ್ ಥಾ. ಸಬ್ ಯಹೀ ಪೂಛ್ ರಹೇ ಥೇ ಕಿ ಅಪ್ನಿ ಬೇಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕಿ ಶಾದಿ ಕಬ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೋ. ಭೈ ಕಹಾ ದಾಮಾದ್ ಜಿ ಕಹಾ? ವೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪಾ, ಉನ್ಕೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆ ಸಿಲ್ಸಿಲೆ ಮೇ ಕಿಸಿ ಸೆ ಮಿಲ್ನೆ ಜಾನಾ ಥಾ. ವೋ ಬಸ್ ಆತೇ ಹಿ ಹೋಂಗೆ. ಯೆ ಕ್ಯಾ ಹೋ ರಹಾ? ಮುಂಬೈ ಗಯೆ ಥೇ ತೋ ವಹಾಂ ಉನ್ಸೆ ಮುಲಾಕಾತ್ ನಹೀ ಹೋ ರಹೀ. ಅಬ್ ಯಹಾಂ ಆಯೆ ಹೈ ತೋ ಯಹಾಂ ಭಿ ಉನ್ಸೆ ಮುಲಾಕಾತ್ ನಹೀ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ. ठीक है भाई, ऐसा लगता है उसे अपने ससुर से ज्यादा बिजनेस प्यारा है. अरे नहीं पापा, अगर दिन में वो चार बार मुझसे बात करते हैं तो पांच बार तो आपके बारे में पूछते हैं कि पापा का दिल कैसा है, उनका गुस्सा कैसा है, वो गलती करने वाले को माफ करते हैं कि नहीं. हम सबको माफ कर सकते हैं लेकिन उसे कभी माफ नहीं करेंगे. क्यों? इसलिए कि उसने हमारी लाडली, हमारी प्यारी गुड़िया को हमसे छीनने की कोशिश की है. अरे पापा, आपकी इजाजत लेने तो आए हैं. आपका एक हुक्म उन्हें मुंबई से जोधपुर तक ले आया. बड़े आज्ञाकारी दामाद साबित होंगे वो. अरे तुम तो बड़ी सीरियस हो गई हो. मैं तो मजाक कर रहा था. चलो चलो, इसी बात पर एक गर्मा गर्म चाय हो जाए. बैठो बैठो बैठो. अरे रामू, दो कप चाय लेकर आओ. हेलो प्रिया बेटे, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मैं भरवा कर आता हूँ. पापा मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, मैं ही भरवा लूंगी. ओके, टेक केयर. हेलो हेलो, ओहो ये किसका फोन आ गया? हेलो अंकल, मैं वसंत कुमार बोल रहा हूँ. वसंत कुमार जी, हमारे होने वाले दामाद. अरे भाई, ये कैसी आंख मचोली आपस में चल रही है. मैं मुंबई आया तो आपसे मुलाकात नहीं हुई, और अब आप जोधपुर आए हुए हैं तो हम मिल नहीं पा रहे. अंकल दरअसल क्या है ना कि जोधपुर में मेरा क्लाइंट है, वहाँ जाना बहुत जरूरी था. अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप तो आ जाओ. अंकल अंकल, मैं रास्ता भटक गया. अंकल समझ में नहीं आ रहा कि आप तक कैसे पहुंचूं. ओके, डोंट वरी डोंट वरी. ये बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ हो? जी होटल हॉलिडेज, रूम नंबर 488. हाँ तो ठीक है, तुम वहीं ठहरो, मैं 10 मिनट में तुम्हें वहां से लेने के लिए आता हूँ. ओके ओके, आई प्लीज सर. हाय प्रिया. कितनी देर लगा दी? वसंत कुमार, यू ऑलवेज लेट. ए क्या हुआ? कुछ नहीं. अंकल कहाँ? अंकल पापा तो अंकल 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 कहाँ गए अंकल? अब जाओ भी, जब वो यहाँ थे तब तो नहीं आए, और अब जब वो यहाँ नहीं है तभी आ रहे हो. पता है कितना इंतजार किया पापा ने तुम्हारा? ये क्या है? ये वेरी नाइस. किसके लिए? अंकल के लिए. पसंद आएगा ना उन्हें? अरे तुम्हें कैसे मालूम ये पापा का फेवरेट कलर है? ए क्या बात है, पापा को मस्का मारने की कोशिश कर रहे हो, ये रिश्वत है क्या? एक्सक्यूज मी. आप मिस प्रिया जी? अजीत सिंह जी आपके फादर हैं? जी हाँ. सॉरी मैडम, ही इज डेड. Oh
Good morning, sir. Very good morning, Mr. Sharad Kumar. Please sit down. No, thank you, sir. It's all right. मैंने मिस्टर अजीत सिंह की मौत की पूरी छानबीन की है सर. उन्होंने टेरेस से कूदकर आत्महत्या नहीं की थी, उनका मर्डर किया गया है. मर्डर? आर यू श्योर? यस सर. मिस्टर अजीत सिंह की बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस फाइल में है. उनकी पिंडलियों पर खराशों के निशान पाए गए हैं और मेरा ख्याल है ये निशान उस वक्त पड़े थे जब कातिल ने उन्हें पिंडलियों से बलपूर्वक पकड़कर ऊंचाई से नीचे फेंका था. मिस्टर शरद कुमार, आपके ख्याल में हत्या की वजह और हत्यारा कौन हो सकता है? सर, आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय इन्वेस्टिगेशन, बट आई कैन प्रॉमिस यू कानून के हाथ बहुत जल्द कातिल की गर्दन पर होंगे. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सर. मिस प्रिया, जिस वक्त ये घटना घटी आप कहां थी? मैं शॉपिंग करने गई थी. और उस वक्त आपके पिताजी कहां थे? वो घर पर थे. और जब आप लौट कर वापस आई तब आपके पिताजी घर पर नहीं थे? जी नहीं, उसके बाद मैंने उन्हें जिंदा नहीं देखा. मिस प्रिया, पुलिस इंक्वायरी से मालूम पड़ा है जी कि बिजनेस में आपके पिताजी का कोई दुश्मन था ही नहीं. क्या आपकी नजर में ऐसा कोई शख्स है जिस पर जरा सा भी शक किया जाए? जी मैं प्रिया, आपकी तारीफ. सर, ये मेरे होने वाले हस्बैंड हैं. ओ, आई एम शरद कुमार फ्रॉम सीबीआई. आपका नाम? वसंत कुमार. मिस्टर वसंत कुमार, आपके होने वाले ससुर का जिसने भी मर्डर किया है वो हमारी गिरफ्त से बच नहीं सकता. एनीवे मिस्टर वसंत कुमार. हाँ मिस्टर वसंत कुमार, टेक केयर ऑफ हर. यू टू मेक अ नाइस कपल. मुझसे सिर्फ इसलिए प्यार करती हो कि मैंने खून देकर तुम्हारी जान बचाई थी? देखो वसंत, कभी कभी किसी को चाहने के लिए एक वजह भी काफी होती है और कभी कभी 100 वजह भी कम पड़ जाती है. मैं तुम्हें इतना क्यों चाहती हूँ इसका तो मेरे पास जवाब नहीं. मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकती. लगता कोई आया है. मैं देखता हूं. यस, हाय वसंत. अरे वसंत, तू ना फोन ना मैसेज, सीधा जोधपुर. वो क्या हुआ कि यहाँ मुझे एक एड एजेंसी में म्यूजिक करने का चांस मिला है. खुशखबरी सुनाने जब मैं तेरे घर गया तो डैड ने यहाँ का एड्रेस थमा दिया, बोले तो जोधपुर में है. अब तो भैया हम यहीं रुकेंगे. अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो किसी कंपनी का गेस्ट हाउस है. मैं काम करता, मैं तुझे किसी होटल के अंदर रुकवाता हूँ. तू रुक, मैं आता हूँ. तू रुक, मैं आया. Yeah, hotel Royal Palace. Yes, sir. Yeah, I want to book a room in your hotel, please. In whose name, please? In the name of Ranjini Priya. Okay, sir. आप कब तक पहुँचेंगे? हम लोग आधे घंटे में पहुँचते हैं वहाँ पे. यार कम से कम तुझे फोन करके तो आना चाहिए था.
एक्चुअली काम तो मेरा कल से है, मैं ही एक दिन पहले चला आया। पता है क्यों? क्यों? वो लड़की जिसे मैंने खून दिया था ना, मैं उससे मिलने आया हूँ। अरे तू पागल है क्या? अपने काम में ध्यान देने के बजाय क्या ये दूसरी बातों में ध्यान दे रहा है? और फिर इतने बड़े शहर में उस लड़की को कहाँ ढूंढता फिरेगा तू? अबे इतना भी पागल नहीं हूँ, हॉस्पिटल का रास्ता तो मुझे मालूम है, वहाँ जाके उसका नाम और एड्रेस पता करके सीधा उसके घर। तू भी चल रहा है मेरे साथ? मैं? हाँ यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू एक काम करना, तू होटल चल, मैं शाम को 4 बजे आऊंगा और फिर साथ में अस्पताल चलेंगे। ठीक है, तू आएगा ना? डेफिनेटली यार। सर आप ये क्या कर रहे हैं? अरे यार तू यहाँ, तू होटल नहीं गया? गया था, वहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो गया इसलिए यहाँ चला आया। अच्छा क्या तू यहाँ आ गया? मैं भी सुबह से कहीं बाहर नहीं गया, बस ऐसे बैठे बैठे बोर हो रहा था। चल ना कहीं खुली हवा में घूम के आते। तेरे सर में तो दर्द था ना? हाँ था ना, मगर अब नहीं है। अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो कुछ बता रहा था ना, तुझे अस्पताल जाना है। क्या नाम बता रहा था उस अस्पताल का? सिटी हॉस्पिटल। हाँ सिटी हॉस्पिटल, तो चलो चलते हॉस्पिटल, वहां तुझे प्रिया का पता मिल जाएगा। चल चल चल, मैं रेडी हो जाता हूँ। तो मुझे अस्पताल ले जाने वाला था ना, यहाँ कहाँ ले आया? हटा इसे, तुझसे खास बात करनी है। यही वो खास बात है? जबल वर्म से तूने ये तस्वीर निकाली, मैंने तुझे देख लिया था। और हॉस्पिटल के रजिस्टर से जब तूने प्रिया का एड्रेस निकाला था, तब मैंने तुझे देख लिया। प्रिया को खून देकर मैंने बचाया, और मेरे नाम का झूठा सहारा लेकर तूने उससे प्यार का नाटक किया है। मेरे प्यार को नाटक मत बोल वसंत। हाँ ये सच है कि तूने उसको खून देकर उसकी जान बचाई, मेरे प्यार की जान बचाई, मगर तुझसे बहुत पहले प्रिया से मिल चुका था मैं। याद कर जोधपुर वैलेंटाइन डे पर मैंने एक लड़की को देखा था, देखते उसे दिल ले बैठा और उसकी वजह से अपनी रातों की नींद दिन का चैन खो बैठा, और इस बात का जिक्र भी किया था पहले तुझसे। वो लड़की कोई और नहीं, प्रिया थी यार। और जैसे ही मैंने उसको रेलवे स्टेशन पर आते देखा, मैं अपने होश खो बैठा। और दौलत वालों का जो दिमाग होता है, तूने उसी दिमाग से काम चलाया। धोखेबाज। धोखेबाज मत बोल मुझको वसंत। तेरे चेहरे से नकाब हट चुका है, इसलिए तू ये ड्रामा कर रहा है। यू आर ब्लडी चीटर, लायर, रास्कल, गोन मैन। मुझ पर जो एहसान किया है उसका मुआवजा चाहिए तुझे। क्या मुआवजा मांगा मैंने तुझसे यार? कब मुआवजा मांगा मैंने तुझसे? मैं तो तुझको बोल रहा हूँ कि चल चलकर प्रिया से बात करते। नहीं बात करना मुझे उससे, नहीं बात करना। दोस्ती के नाम पर दोस्त के पीठ में खंजर भोंका है तूने। बस कर वसंत, देयर इज अ लिमिट। एक लफ्ज भी और कहा तो ठीक नहीं होगा। शट अप।
शादी और प्यार के नाम पे कलंक है तू। वसंत, क्या हुआ तुम्हें? वसंत, कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम? आई ऑल राइट? कुछ नहीं, मुझे अंकल की याद आ गई। वसंत, तुम ही तो मेरा एक सहारा हो। अगर तुम ही अपने आप को संभाल ना पाए तो मुझे कौन संभालेगा? क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए इस शहर से दूर चले जाएं? ये सब क्या है सर? जेनिफर लोपेज एंड स्पाइस गर्ल्स। और ये सर बैचलर है तो थोड़ी बहुत मस्ती करते रहते हैं। गांजा वांजा भी पीते होगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? सर नाम तो प्रकाश है, प्यार से लोग मुझे गेंडा कहते हैं। गेंडा। और तुम? सर नाम है सत्या, प्यार से लोग झूठा बोलते हैं। बड़ा प्यार है आप लोगों में। ये आदमी कौन है? सर ये बसंत है, ये बसंत है, ये मैं। चुप। सर ये बसंत है और ये वसंत कुमार है। ये वसंत कुमार है और ये बसंत? जी। आर यू श्योर? जी। तो ये वसंत कुमार जोधपुर किस काम से गया था? सर एक एड एजेंसी ने म्यूजिक कंपोज करने के लिए बुलाया था। तो वसंत कुमार जोधपुर सिर्फ एड एजेंसी के लिए गया था या किसी और काम के लिए गया था? नहीं सर, और एक बात भी थी। लास्ट टाइम हम लोग म्यूजिक कॉम्पिटिशन के लिए जोधपुर गए थे ना, तो हमारी गाड़ी के साथ एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और उसको खून देने के चक्कर में वसंत कुमार ने म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी मिस कर दिया था। इस बार कह रहा था वो कि जोधपुर जाऊंगा तो लड़की से जरूर मिलूंगा। सुनो, आंखें खोलकर इस तस्वीर को देखो और बताओ इनमें से कौन आया था यहाँ पर। सर इसी आदमी ने हॉस्पिटल के रजिस्टर से एड्रेस का पेपर फाड़ा था और उसके बाद में ये आदमी उसी लड़की का एड्रेस पूछने आया था। सर वो इसमें मेरी कोई गलती नहीं सर। प्रिया तुम चलो, मैं पेट्रोल भरा के आता हूँ। जल्दी आना। हाँ बाय। हेलो, क्या आपका नाम मिस प्रिया है? जी हाँ। मैं CBI से बोल रहा हूँ। CBI? The matter is very serious.
आपके साथ जो शख्स है मिस प्रिया, उसका नाम वसंत कुमार नहीं है, उसका नाम बसंत है। क्या? जी हाँ, और उसी ने आपके पिताजी का मर्डर किया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इतना ही नहीं, उसने अपने दोस्त का भी खून किया है। से दूर की जा रही प्रिया? देखो मेरे करीब मत आना तुम। Don't touch me। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी परछाई से भी डर लगता है। तुम एक फरेबी हो, धोखेबाज हो। तुमने मेरे पापा का खून कर दिया, अपने दोस्त को भी मार डाला। अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या मुझे भी? नहीं प्रिया नहीं। Don't you come near me। चले जाओ यहाँ से। अरे कोसती हूँ मैं अपने आप को, मैंने तुम जैसे फरेबी से प्यार किया। क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। क्या किया तुमने? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू की एक बूंद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने अपने माथे से इतना खून बहा दिया। मेरे माथे का खून बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पापा का खून कर सकते हो। मेरे माथे का खून बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मेरे विश्वास का खून कर सकते हो। अरे किस किस का खून करोगे तुम? मेरा? नहीं 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 किया। प्रिया प्रिया, मैं दगाबाज हो सकता हूँ, मैं बेईमान हो सकता हूँ, मगर ये झुमका तो झूठ नहीं बोल सकता। पहचानती हो इसे? हाँ, सोचो सोचो, तुम्हारे कानों से कब गिरा था? मैंने तुम्हें कब देखा था? और देखते ही दिल ने बैठा। ये झुमका मेरे प्यार की सच्चाई का सबूत। याद करो, याद आया? हाँ, मुझे मुझे तो एक एक पल याद। याद करो, जोधपुर, 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे,
जब दुनिया के सभी प्यार करने वाले लवर्स डे मना रहे थे, उसी दिन मैंने तुम्हारी शक्ल के अंदर अपने प्यार को छुपा पाया। याद करो वो होटल, वो धुंध वाला शीशा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हें चाहा और तुम्हें अपना मान लिया। 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड में मैं तुम्हारे साथ 5 जन्म जी गया। और प्रिया, बस उसी दिन से तुम हर पल मेरे साथ हो और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तब से ये झुमका मेरे लिए सब कुछ बन गया, और तुम मानो या ना मानो, इस झुमके को मैंने यहां अपने दिल के पास, अपनी धड़कनों के पास सजाए रखा। मैं तुम्हारे ख्यालों में खोया रहा और तुम मेरे दिल में धड़कन बन के धड़कती रही। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पा, बहुत तरसा, बड़ा बेचैन रहा तुम्हारी सिर्फ एक झलक देखने के लिए। और फिर अचानक मैंने तुम्हें रेलवे स्टेशन पर देखा, तो मैं क्या करता प्रिया, तुम बोलो मैं क्या करता। जिंदगी भर सच का साथ निभाने वाले इंसान के मुंह से जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ निकल गया। जब वसंत कुमार ने अपने प्यार को अपने सामने हाजिर देखा, तो उसे हासिल करने के लिए मैं वसंत कुमार से वसंत कुमार बन गया। और बस ये गलती, ये एक झूठ मेरे प्यार की बुनियाद बन गई। गुनाह हुआ है मुझसे, मैं मुजरिम हूं तुम्हारा, और उसके लिए तुम मुझे जो भी सजा दो, कानून मुझे जो भी सजा दे, भगवान मुझे जो भी सजा दे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। मगर अगर मुझसे कोई कहे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हारी चाहत को छोड़ दूं, तुम्हारे प्यार को छोड़ दूं, तो वो मुझसे नहीं होगा। और अगर ऐसे वक्त आया ना प्रिया, तो मैं दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने क्या सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक नई दुनिया बसाऊंगा, जहां तुम रहोगी, मैं रहूंगा, और हम दोनों के सिवाय तीसरा कोई भी नहीं होगा। पर इसके बीच तुम्हारे वो डैडी, तुम्हारे वो अंकल आ गए। रास्कल, मारिए सर, मारिए, थप्पड़ तो क्या, आप मुझे गोली मार दीजिए, मैं प्रिया के लिए हंसते हंसते मरने के लिए तैयार हूं सर। Have you gone mad? सर, वो प्यारी क्या जिसमें दीवान की शामिल ना हो। मैं जब प्रिया के बारे में सोचता हूँ, तो मेरी जिंदगी में कैसे आएगी, मैं उसको हासिल कर पाऊंगा या नहीं, ये सोचकर मैं कभी कभी पागलों की तरह हो जाता हूँ। सर, आप कुछ भी कीजिए, आप मुझे जो चाहे सजा दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर, आप प्रिया को मुझसे बचिए प्लीज। छोड़ दो मेरे पाँव को, यू नाटकबाज। अंकल, अगर मैं नाटकबाज होता, मैं फ्रॉड होता, तो मैं आपकी बेटी से मुंबई में शादी कर लेता और सीधा आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ चला आता। मगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, इसलिए नहीं किया कि मैं आपकी रजामंदी चाहता था, आपका आशीर्वाद चाहता था। अंकल, आप मुझसे दुनियादारी में, तजुर्बे में हर तरह से बढ़े। ये प्यार कितना मासूम होता है, इसमें तूफान छुपा होता है, कितना बेबस होता है ये, क्या आप नहीं जानते? ये मोहब्बत क्या होती है, ये आप नहीं पहचानते? पहचानता हूं, और खासकर तुम जैसे आजकल के नौजवानों के प्यार को मैं अच्छी तरह से जानता भी हूं और पहचानता भी हूं। जो हर सुबह एक लड़की को देखते हैं, दोपहर को दूसरी लड़की से आई लव यू कहते हैं, और शाम को कोई और लड़की होटल के कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही होती है, फिर अगली सुबह वही प्यार का नाटक लेकर तुम मासूम और भोली भाली लड़कियों को फंसाने के लिए घर से बाहर निकल पड़ते हो। इसे ही कहते हो ना तुम लोग प्यार, वो क्या कहते हो तुम, लव 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 लव, और अपनी इस हवस को लव का नाम देकर किसी गली के कुत्ते की तरह किसी की बेटी को झिझोड़ते हो, उनकी बोटियों को नोच नोच कर। बस कीजिए अंकल, बस कीजिए, बस 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 प्लीज, बस कीजिए, स्टॉप इट, मेरे पैर को गाली मत दीजिए अंकल, प्लीज अंकल, समझने की कोशिश कीजिए, हम दो प्यार करने वालों की चाह जी जाएगी। अंकल, मुझे मेरी प्रिया दे दीजिए, अंकल मुझे मेरी प्रिया दे दीजिए, आप जब तक हाँ नहीं बोलेंगे मैं आपके पैरों को छोड़ूंगा नहीं। Stop this nonsense! मैं अभी जाकर प्रिया को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा, उसे बताऊंगा कि तुम वो बसंत कुमार नहीं हो, बल्कि वो बसंत कुमार हो जो एक जालसाज, धोखेबाज और ढोंगी है, और उसके बाद उसके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत पैदा होगी, सिर्फ नफरत। अंकल 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 प्लीज सर, मेरी बात सुनिए प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए प्लीज अंकल,
अंकल, मेरे एक छोटे से झूठ की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे। मैं जरूर बताऊंगा, तुमने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है, मैं जरूर बताऊंगा। अंकल सर, हट जा मेरे रास्ते से, मैं आपके पांव पड़ता हूं। अंकल प्रिया तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, घूम जाओ उसे। प्लीज मैं आपके पांव पड़ता हूं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। अंकल मैं तुम्हारा साया भी उस पर नहीं पड़ने दूंगा। प्लीज प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे। मेरे जीते जी प्रिया तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। अंकल प्लीज मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। प्रिया, प्रिया प्यार में मेरे हाथों से गुनाह जरूर हुआ, बट आई एम नॉट अ किलर प्रिया, आई एम नॉट अ किलर, आई एम अ लवर, आई एम अ लवर, आई एम अ लवर। मेरे दोस्त का भी खून मेरे हाथों से गलती से हो गया, कैसे मार सकता था मैं उसे? अरे उसे अगर चींटी भी काटती थी तो दर्द मुझे होता था, कैसे मार सकता था मैं उसे? अगर वो मुझसे मेरी जान भी मांगता ना तो मैं दे देता, मगर उसने मुझसे मेरी प्रिया मांग ली और मैं उस पर हाथ भी नहीं उठाता अगर वो मेरे प्यार को गाली नहीं देता। जैसे मैंने उस पर हाथ उठाया वो खाई में गिरने लगा, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मैंने उसे मारना नहीं चाहा, मैं उसे बचाना चाहता था प्रिया, मैं उसे बचाना चाहता था। मैं सब तुमको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि तुम मुझ पर दया खाओ, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्यार को समझो। मैं जन्म तुम्हारे बगैर नहीं जीना चाहता। मैं प्रिया पुलिस आ रही है, मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है, मगर मैं तुमसे बिछड़ कर नहीं जीना चाहता। मैं तुमसे बिछड़ कर नहीं जीना चाहता प्रिया। ये क्या कर रहे हो तुम? सर वो भाग जाएगा, वो मुस्लिम है, गुनहगार है सर। तुमने मुझे माफ कर दिया। चलो प्रिया, आप भी आओ।